नवंबर 2014 प्रखंड कमरा रामपुर पंचायत और ग्राम जामडी के स्वास्थ्य उपकेंद्र के विषय में हम लोग एक वीडियो फिल्म बनाए थे। समस्या थी एनएम बराबर नहीं आती थी। एनएम के बराबर नहीं आने के कारण हमारे समुदाय में सभी को दिक्कत होती थी। अरे को दिन दवाई नहीं देला वो आगे पूरा के दे रहे और रोज दिन आवेल की नहीं है नहीं आवे दवाई भर था कर तू जोर की नरम से नहीं दे लग दवाई आदमी भी हितर के का के दवाई की डर अरे तो ये मैं छुआ करो से क्या को जिस दिन छुआ मन होयला डिलीवरी मन होयला से दिन खाली आवेला आवेला और बाकी दिन सेंटर बंद रहेला। इस समस्या को लेकर हम लोग बहुत परेशान थे, पर अभी वीडियो बनाने के बाद हम लोग समुदाय के लोग से स्क्रीन किए और चर्चा की एवं स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष को भी दिखाए, चर्चा भी हुआ और वह खुश होकर अपना बात भी रखी। उसके बाद मलेरिया विभाग से आई अधिकारी ने भी एएनएम से बहुत बात की और बराबर केंद्र खोलने की बात कही। इस वीडियो को बनाने के बाद बराबर स्वास्थ्य केंद्र खुल रहा है और एएनएम भी बराबर आ रही है। तो अभी केंद्र बराबर खुल रहा है? हाँ, केंद्र बराबर खुलता है, लेकिन मैं अकेले स्टाफ हूँ, इसलिए सप्ताह में एक दिन दो दिन हम बृहस्पतिवार शनिवार टीकाकरण वैक्सीनेशन के लिए आंगनबाड़ी जाना पड़ता है, और महीना में एक दिन हम लोग का मीटिंग होता है कमरा में, उस दिन वहाँ जाना पड़ता है, तो उस दिन केंद्र बंद रहता है और बाकी दिन तो मैं खोलती ही हूँ केंद्र। ये केंद्र में सिर्फ आप अकेले एनएम हैं? हाँ, अकेले एनएम हैं। एक एमपीडब्ल्यू था, तो अभी वो लोग का रेन्यूअल नहीं हुआ है, इसलिए अभी वो नहीं है। पैरासीटामोल हुआ, एंटीबायोटिक, सिप्रोफ्लोक्सासिन, कोट्रीमोक्साजोल, ये सब मिलता है वहाँ से, कमरा से मिलता है, तो हम लोग देते ही हैं। फ्री टेबल भी है, और डिलीवरी होने के बाद में जो महिला है उसको सुलाने के लिए बेड भी है उपलब्ध, लेकिन यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होता है पानी के लिए, दूध से ढो के लाना पड़ता है और उस समय तो पानी का जरूरत भी पड़ता है। उसके अलावा छत भी गिर रहा है, कभी कभी महिला को सुलाए रहते हैं तो बगल में गिर जाता है ऊपर से टूट के छत, ये सब प्रॉब्लम है। और बिजली के लिए तो दिए हुए हैं, कनेक्शन अभी नहीं लिए हैं। नर्स आवे ना रोरे मन वीडियो कर लिखल है, डराई गल है, और गांव कर सब जन के सहायता करत हैं आप, सुई दवाई मन जांच मन सब होत है, दो महीना लखे हॉस्पिटल आवत हैं। मैं सबसे पहले वीडियो वॉलंटियर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इनके द्वारा हम लोग को जो ट्रेनिंग दिया गया, उस ट्रेनिंग में हम लोगों की समुदाय में जो समस्या थी उसकी समाधान हुआ। बराबर एनएम नहीं आती थी और हमारे गांव के लोग सेवा लेने से वंचित थे, पर इस वीडियो को बनाने के बाद हमारे गांव में काफ़ी सुविधा मिल रही है उनको, जो स्वास्थ्य से वे लोग वंचित थे वे मिल रहे हैं, और बराबर एनएम उपकेंद्र पर बैठ रही हैं और सारे लोगों को सेवा दे रही हैं। संतोषी विनीता, मैं जिरामुनी देवी, कमरा प्रखंड, जिला गुमला, झारखंड, इंडिया आघाट के लिए।